Moving to our next question, question number 3. Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using a similarity creation criteria for the two triangles. To show OA by OC is equal to OB by OD. एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी साइड के, हमें क्या दिखाना है, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ये हमें दिखाना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके. हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को यूज करेंगे, एक तो इस वाले ट्राइंगल को ओ ए बी और इसको ओ सी डी. ओके, नाम देंगे इनके एंगल्स को 1, 2, 3, 4, 5 और 6. दो लाइनें पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, तो जेड नहीं बन रहा है ऐसे, जब ऐसे जेड बने तो एंगल 2 नहीं होगा 4 के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगेन अब ऐसे जेड बन रहा है तो एंगल 1 5 के बराबर नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 3 6 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी. ओके, तो हम क्या करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी. ओके, उसके बाद लिखेंगे एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 5 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 4. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, और एंगल 3 बराबर है एंगल 6, 3 बराबर 6, 1 बराबर 5, 2 बराबर 4. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी. ओके, तो मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स बनाऊंगा, एक तो ओ ए बी और ओ सी डी, वैसे बनाऊंगा जैसे ये सिमिलर है, जैसे दिए गए हैं. तो हम बनाएंगे ओ ए बी. ओके, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, और नीचे जो हमारा है ऐसे ये ओ सी ए ओ सी डी. उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ ए बी और यहां पे लाएंगे, जब इसको फ्लिप करेंगे तो यहां पे आएगा, ऐसे रोटेट करेंगे इसको, यहां पे हम बनाएंगे ओ ए बी और हमारा ऐसे ओ सी डी. क्यों, क्योंकि हमारा एंगल 1 बराबर है 5 के, वही मैंने किया 1 बराबर है 5 के. ओके, 6 3 एक ही बात है, ये हमारा 3 एंगल है, ये हमारा 6 है, और हमारा बी एंगल 2 बराबर है 4 के. ओके, मैंने ऐसे डायग्राम बनाई ताकि हमें समझ आ सके हम क्या कर रहे हैं, इजी हो जाए हमारे लिए. उसके बाद जब दो ट्राइंगल्स, हमें पता है ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ओ सी डी के, अभी हमने इसको प्रूव किया, हमें पता इनके साइड का रेशियो भी बराबर होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए बाय ओ सी, मतलब ये साइड बाय ये साइड, और ये साइड बाय ये साइड, ओ बी बाय ओ डी. ओके, और ए बी बाई सी डी बराबर होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है. लेकिन हमें प्रूव करना था इतना, ओ ए बाई ओ सी इज कॉल्ड ओ बी बाई ओ डी, जो हमने प्रूव किया, देयरफॉर हेंस दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3.